देश में फिर एक बार चुनाव होने जा रहे हैं। एक बार फिर पूरा भाजपा तंत्र आपको झूठे वादों में फंसाने में जुट गया। नए भारत और विकास की कहानी सुनाकर आपको गुमराह किया जा रहा है। बेतहाशा पोस्टर्स के पीछे अपना पाप छुपाया जा रहा है। बकवास प्रचार दिखाकर असल मुद्दों से आपको भटकाया जा रहा है। ये देश में लोकतंत्र मिटाकर तानाशाही स्थापित करना चाहते हैं। आपको जनता से गुलाम बनाना चाहते हैं। आज मैं आपको बताती हूँ कि मोदी जी ने कब कब और कैसे कैसे देश के लोकतंत्र और संविधान को मिटाने की कोशिश की। याद रखिए कैसे लाखों किसान साल भर सड़कों पर अपने हक के लिए लड़ते रहे। तानाशाह ने किसानों पर कभी लाठियां चलवाई तो कभी गोलियों से खून डाला तो कभी गाड़ी तले रौंद दिया। 700 से ज्यादा किसानों की शहादत। युवाओं से सरकारी नौकरी का वादा कर सरकार में आए फिर पकौड़ी तलने को रोजगार बताने। पेपर लीक और अग्निवीर जैसे योजना थोप कर आपके बच्चे के भविष्य को बर्बाद। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद कर उन्हें नफरत कर। याद रखिएगा जब मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया तब मोदी जी खामोश। मेडल जीत कर आई महिला पहलवानों के साथ लपक कर फोटो खिंचवाने वाले मोदी जी जब उन्हीं बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर घसीटा गया तो नजर नहीं। कठुआ उत्तराखंड से लेकर हाथरस तक आपके मोदी जी दोषियों के साथ खड़े नजर आए। यहां तक कि जब उनके अपने संसदीय क्षेत्र में भाजपा के गुंडों ने एक छात्रा के साथ दुष्कर्म किया तब भी वो खामोश रहे। इसी मोदी काल में भारत के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के जज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर मजबूर हुए। इन 10 सालों जिसने भी मोदी सरकार से अपने हक की मांग की सवाल किया या विरोध किया उसे पुलिस से पिटवाया और जेल में बंद। देश की सारी संपत्ति सारा खजाना अपने अमीर दोस्तों में बांटे और जब संसद में राहुल गांधी ने इस पर सवाल किया तो उन्हें संसद से बाहर कर दिया, उनका घर छीन लिया। मोदी जी ने देश की सभी जांच एजेंसियों को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया। विपक्षी नेताओं के घर छापे पड़वाए और उन्हें जबरन जेल भिजवाया। याद रखिएगा आज भी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में है। यही नहीं चुनाव से एन पहले इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर कांग्रेस के सभी खाते फ्रीज करवाए लेकिन खुद दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम कर इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर देश को चूना लगाते रहे और देश की मीडिया को इतना पंगु बना दिया कि वो सरकार के सामने न खड़ी हो सके न सवाल करने की हिम्मत कर सके। आज देश में तानाशाही अपने चरम पर है और अगर फिर एक बार भाजपा की सरकार देश में आई और मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो इनका अगला शिकार आप, आपका परिवार और आपके बच्चे भी हो सकते हैं। आपके पास लोकतंत्र बचाने का यह आखिरी मौका है। आपके पास संविधान बचाने का यह आखिरी मौका है। अपनी आजादी बचाए रखने का यह आखिरी मौका है।